एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 टेंथ क्लास एनसीईआरटी, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, कुछ इंटीजर दिए हैं उनके। तो पहला इंटीजर हमें दिया है 12.15 एंड 21, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। 12 के फैक्टर कर लो, 2 × 2 × 3, 15 के फैक्टर कर लो, 3 × 5, 21 के फैक्टर कर लो, 3 × 7। तो एच सी एफ निकाल देंगे हम सबसे पहले यहाँ, एच सी एफ बराबर, इन सब में कॉमन क्या है, तो कॉमन एक है इसमें 3, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एच सी एफ 3। एल सी एम निकालेंगे, एल सी एम कॉमन अनकॉमन सब आता है, तो 2, 2 ये आ जाएगा, 2 × 2 × फिर ये 3, फिर ये वाला 3, 3 तो कॉमन है तो एक वाली 3 आएगा। अब आएगा आपका 5 × 7, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420 एच सी एफ, और ये हो गया एल सी एम, यही पूछा था हमसे। अगला पार्ट कर, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें 3 नंबर इंटीजर दिए हमें, 17, 23 और 29, तो इनके फैक्टर करते हैं। 17 का फैक्टर एक तो 1 होगा और ये खुद हो जाएगा, ऐसे ही 23 का फैक्टर एक तो 1 होगा, 23 सेल्फ होगा, 29 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा एक तो, और 29 होगा, तो यहाँ से एच सी एफ निकाल देते हैं। एच सी एफ इक्वल टू 1, सब में कॉमन है तो एच सी एफ हो जाएगा 1। एल सी एम निकालेंगे, एल सी एम तो 1 कॉमन है और अनकॉमन, 17 × 23 × 29, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 11, 33, 9 ये आंसर आ जाएगा हमारा। इसका थर्ड पार्ट है 8, इसमें इंटीजर दिया हमें 8, 9 और 25, 8 के फैक्टर कर लो, 2 × 2 × 2, 9 के फैक्टर करेंगे, 3 × 3 और 25 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 5, लेकिन इसमें एक 1 और सब का फैक्टर बन जाएगा 1, तो यहाँ से हमारा निकल आएगा एच सी एफ, एच सी एफ यूकल टू 1, एल सी एम, एल सी एम तो कॉमन और अनकॉमन दोनों, तो कॉमन तो इसमें सब में 1 है, इंटू बाकी 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 मल्टीप्लाई करके से ये हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।